इस वाली गाड़ी पे मैं अपना टेस्ट देने वाली हूँ। मैं पास हो गई हूँ बट बिल्कुल मार्जिन पे, बट वीर को ये चीज ना पता नहीं है। तो मतलब पैरेलल पार्किंग वार्म अप सेशन right. में हाँ. मेरा इतना गड़बड़ हुआ भाई। वो गौर से देखिए इस प्राणी को, ये वही प्राणी है जिसने सुबह सुबह बोला था कि मैं तो भाई आज का दिन तान्या के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज का दिन डिसाइड करेगा कि तान्या लीगली यूएसए में गाड़ी चला पाएगी या नहीं। जी है? तो बस उसी का टेस्ट देने अभी अपन निकले हैं। सो देखते हैं कैसा रहता है। ऑल एक्साइटेड? हाँ। सारी तैयारी है तो चलो चलो। तान्या ने जो ड्राइविंग टेस्ट का अपॉइंटमेंट लिया ना वो 10 बजे का लिया है, सो 9:53 हो गया। बहुत सो जाएंगे हम ऐसे लोकेशन पे, बट अच्छी चीज ये है कि ना इस टाइम पे सड़कों पे भीड़ काफी कम रहती है, तो तान्या को ट्रैफिक जाम थोड़ा कम मिलेगा तो ये इजीली अपना टेस्ट दे पाएगी। बट सही है, अगर ट्रैफिक जाम भी हो तो भी सही है। बट टेस्ट पे देखो अगर राइट मुड़ना होगा तो तेरे को देख के मुड़ना होगा ना। अभी क्या है कि तेरे को पता रहेगा कि सड़क खाली है तो तू इजीली मोड़ पाएगी, तो वो थोड़ा सा। बट ये होता है ट्रैफिक में, ये होगा कि स्पीड लिमिट जो है, मतलब आप स्लो में चलोगे तो सही रहेगा। हाँ मतलब रोड खाली मिल गई तो ये भगा देगी। भगाऊंगी तो नहीं। और जी पहुंच तो चुके हैं हम लोकेशन पे, तो 911 ड्राइविंग स्कूल पे हमने अपनी तान्या ने अपना ड्राइविंग टेस्ट शेड्यूल किया है। एंड बाय द वे सही लोकेशन पे आया ना मिस बारी। हाँ, लोकेशन यही है, इसका दो दो नाम ही है। चलो ठीक है, चक दे फट्टे, ठीक है पास हो के आना एकदम फ्लाइंग कलर से। चलो जी ये तो चली गई। मैं सोच रहा हूँ कि यार घर जाऊं या फिर गाड़ी में बैठ कर इसका वेट करूं, क्योंकि इसको आई गेस 1.5-2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि जो इसने पैकेज लिया है ना वो वार्म अप सेशन प्लस टेस्ट का लिया है। तो उसमें होता क्या है ना कि जो आपका एग्जामिनर होता है उसके साथ आप आधा पौना घंटा पहले गाड़ी चलाते हो, एंड देन उसके बाद वो आपका 15 या 20 मिनट का टेस्ट लेता है। तो फायदे से यार यही होता है कि अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर वर लगता है ना कि यार टेस्ट दे रहा हूँ मैं वगैरह वगैरह, तो वो आपका डर कम हो जाता है, और दूसरा आप जो भी आपका एग्जामिनर होता है ना उसके साथ आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हो। और ऑब्वियसली अगर आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके टेस्ट भी दे सकते हो, ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। तो ये फोन आया था तान्या का एंड वो कह रही है कि उसको 1 घंटा लगेगा पूरा कंप्लीट करने में टेस्ट, तो मैं सोच रहा हूँ कि घर ही चलता हूँ, इतने में अपना थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटा लेंगे यार। सो इस वाली गाड़ी पे मैं अपना टेस्ट देने वाली हूँ, तो देखते हैं कि कैसा जाता है। एंड फर्स्ट टाइम मेरी एक लेडी इंस्ट्रक्टर है, जैसा भी होगा आपको रिजल्ट जो है वो तो बाद में पता ही चल जाएगा। और भाई मैडम फिर से घर की चाबी अपने साथ ले गई है, तो मतलब पंगा क्या होता है ना यार कि अब जब आप व्लॉगिंग करते हो ना तो आपका आधा दिमाग तो व्लॉग की तरफ होता है, तो इसलिए मुझे तो ध्यान रहा नहीं कि भैया चाबी उसके पास है या मेरे पास है, गाड़ी में रखी या नहीं रखी है। दूसरी चीज ये हुई होगी कि उसका टेस्ट है आज, तो उसको उसकी चिंता हो रही होगी तो इसलिए उसको भी ध्यान नहीं रहा होगा। तो अब चाबी उसके पास रह गई है, घर में मैं घुस सकता नहीं हूँ, उसके अलावा मैं कुछ और कर सकता नहीं हूँ। तो अपन आ चुके हैं स्टारबक्स, तो कॉफी वगैरह लेते हैं और यहीं पे बैठ के अपना टाइम पास करेंगे। भाई हर दिन क्यों कटना होता है हमारा यार। ताकि यूक्रेन की धरती को ये जल्दी कब्जा पाए, इसके पीछे देखिए एक बड़ा रीजन ये। सो टेस्ट मेरा हो चुका है एंड मैं पास हो गई हूँ बट बिल्कुल मार्जिन पे, बट वीर को ये चीज ना पता नहीं है। तो वीर के साथ ना एक छोटा सा प्रैंक करते हैं और बोलते हैं कि यार मैं क्लियर नहीं हुआ, मेरे को एक और टेस्ट देना पड़ेगा। तो देखते हैं वीर का ना रिएक्शन क्या रहता है उस पर। तो ये खड़ी है लड़की और इसका टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट इसके चेहरे की स्माइल देख के नहीं यार इसका चेहरा तो मूथरा हुआ है, या तो ये मेरा पोपट बना रही है भाई या फिर सही में कुछ रिजल्ट खराब आया है। कैसा गया? सही बता। हाँ मैं सिग्नल्स देना भूल गई थी यार बहुत सारी जगह पे, और मतलब वार्म अप सेशन पे वो तो लिखा। ये क्या है? क्या है? पोपट बना रही मेरा है बेटे, जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं हम। पता है मैंने दूर से उसको देख लिया था, इसका चेहरा ना स्माइल, उसके जैसे मैं पास आया ऐसे हो गई। देख कितनी चालू बन रही है। उल्लू नहीं बने यार तुम।
फिर कैसे मतलब क्या क्या रहा वार्म अप जो लिया था तूने? मार्जिन पे पास हुई। मार्जिन पे भाई साहब। और जो सिर्फ ये देखा क्योंकि मेरे को ड्राइविंग में मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मतलब पैरेलल पार्किंग वार्म अप सेशन में मेरा इतना गड़बड़ हुआ भाई, वो उसने डरा दिया और ऊपर से लेडी थी मेरी आज टेस्ट लेने, अच्छा। तो मैंने कहा भाई आज तो मेरे को फेल करेगी, तो तो ना यही फायदा होता है वार्म अप सेशन लेने का कि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं जो भी आपका एग्जामिनर है इंस्ट्रक्टर है ना उसके साथ। वो इतनी ऐसे स्ट्रिक्ट थी और बाद में मुझे लास्ट में पता चला वो हेड ऑफ इंस्ट्रक्टर है, मैंने कहा इसी के साथ ही होना था क्या मेरा टेस्ट भाई, उसने मेरे को इतना डरा दिया, यू आर टू स्लो, जैसे मैंने सेशंस में बताया था ना कि उसने बोला था मेरे को कि कर जब तक तुम ठीक कर रहे हो ठीक है पर स्लो कर सकते हो तुम, यू आर टू स्लो, आपने किसी ने बताया नहीं, इंस्ट्रक्टर ने ये नहीं, मैंने कहा यार ये क्या है तो कुछ अलग ही बता रही है। फिर उसके बाद उसने दो चार चीजें और बताई कि ये ऐसे करना है वैसे करना है, एक तो यहाँ के लोग बोलते कुछ ज्यादा ही है तो आधी चीजें तुम्हें खुद डिसाइड करना होता है कौन सी चीजें रखनी है कौन सी नहीं रखनी है। एंड पता है यहाँ पे होता क्या है ना यार, जैसे अगर आप वो ना आपकी एक्चुअली ड्राइविंग स्किल्स देखते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंटली चला रहे हो गाड़ी को, अगर उनको उस पर ट्रस्ट हो जाता है ना कि हाँ भैया आप किसी को ठोकोगे नहीं सही से गाड़ी चलाओगे, तो वो थोड़ी बहुत चीजें है ना नजरअंदाज कर देते हैं कि, मतलब मेन इनके जो मैनेवर्स होते हैं रूल्स होते हैं वो फॉलो कर रहे हो, अगर वो फॉलो कर रहे हो ना तो बाकी एक इधर उधर का थोड़ा हो जाता है कर जाता है। बट फाइनली लड़की पास हो गई, अब पार्टी दे दो, अब हमारा खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों होगा, तो अब इसका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, अब ये भी गाड़ी चला सकती है, और गाड़ी चला सकती है तो गाड़ी के इंश्योरेंस पे इसका नाम ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि इसकी कोई ड्राइविंग हिस्ट्री है नहीं यूएसए में तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा हमारा मंथली वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब वो कितना बढ़ेगा वो तो चेक करने में पता चलेगा। चल अब घर चलते हैं, मेरे को बहुत सारा ऑफिस का काम करना है। एंड मैडम चाबी आप फिर से अपने साथ ले गए थे? तो जिसको चाबी ले दी उसको याद रखना चाहिए ना, तो यहाँ रखो ना, यहाँ ये जगह हमने चाबी के लिए रखने के लिए ही बनाई है। चलो जी पहुंच चुके हैं घर पे एंड इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ चुका है तो इसको लगा देते हैं इंस्टॉल पे। और पता है जब हम सुबह निकले थे ना तो वेदर थोड़ा सा वैसा था कि ज़्यादा फॉग हो रखी थी चारों तरफ, तो तान्या को देख के ना ऐसा डर सा लग रहा था कि यार मैं गाड़ी चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी ऐसे वेदर में है? बहुत ज़्यादा फॉग हो गई थी आज, और देखो हम मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुँह से भी धुआं निकल रहा है। हाँ ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब ऐसा हो गया कि गाड़ी को अगर मैं छोड़ के जा रहा था ना, मतलब अगर उसको हीटर उसको बंद कर दूँ तो भाई साहब 5 मिनट में गाड़ी इतनी ठंडी हो जाती है कि आपको ठंड लगने लगती है गाड़ी के अंदर। चलो जी पहुंच गए घर एंड बस अब यार मैं जाऊंगा ऑफिस का काम करने, तान्या करेगी अपना एडिटिंग वगैरह का और बाकी काम, एंड मिलते हैं आपसे अब लंच टाइम पे। और भाई अपन फिर से निकल चुके हैं घर से बाहर, तो 2 बज रहे हैं अभी दोपहर के एंड लंच टाइम हमारा हो चुका है, बट और बहुत तेज भूख भी लग रही है बट खाना खा नहीं सकते क्योंकि तान्या का है फुल बॉडी मेडिकल चेकअप। खा सकते हो? हाँ मैं खा सकता था बट फिर ये नहीं खा सकती थी ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा करवा चौथ का व्रत है क्योंकि मतलब पानी भी मैं पीऊँ तो कितना पानी पीऊँ ना, खाते हो तो प्यास लगती है। तो इसका फुल बॉडी मेडिकल चेकअप था, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा कि तब ये नहीं दे पाई थी तो रिशेड्यूल कराया था, एंड उन्होंने ना यही प्रेफर किया था, रिकमेंड किया था कि ना आप कुछ खाना मत तभी आपका ढंग से ब्लड टेस्ट हो पाएगा। बस उसमें ये होता है कि तुम कुछ खा लेते हो तो शुगर लेवल ज्यादा आता है, बाकी कुछ नहीं होता। अच्छा और जी इस बार हम एकदम एग्जैक्ट करेक्ट क्लिनिक पे पहुंचे हैं, वैसे अब तो तुम यार खुद भी आ सकते थे, मतलब मेरी क्या जरूरत थी आने की ये बताओ, अब तो तेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया तो खुद जाओ। आया कहाँ है मेरे पास, तो पर्चा तो आ गया, पर्चा तो आ गया, हाँ तो उस पे चला सकते हैं। और ओ, चलो फिर जाओ, तो मैं तो गाड़ी में ही बैठूंगा, मैं अंदर क्या करूंगा जाके। तो भाई वेट करते करते 2:30 बज गया यार, और अब लिटरली पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। मैं कल आया था अपना मेडिकल चेकअप कराने, मेरा तो उन्होंने 10 मिनट में कर दिया था, पता नहीं इसके में इतना क्यों टाइम लग रहा है। बहुत जोर की भूख लग रही है भाई, अब नहीं हो रहा कंट्रोल, जल्दी आ जा यार, कहाँ रह गई। A little longer than a few minutes later. हाँ भाई कितना टाइम लगा दिया। हाँ टाइम लग गया है मेरे वाले, 2:40 हो गए हैं भाई। अरे बहुत धीरे धीरे वो लोग कर रहे थे।
एंड माई मेडिकल चेकअप इज फाइनली डन. और उसमें पूरे कितने 50 मिनट लग गए ना मेरे को करते हुए, तो काफी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि उन्होंने एक तो ब्लड सैंपल्स लिए, कुछ 4 ब्लड सैंपल्स ले लिए. 4 बोतल? हाँ भाई साहब. तुम्हारी कितनी ली थी? मेरे तो 3 ही लिए थे. मतलब मेरे को, मेरा तो आज भी फिर खून जाएगा. बहुत अच्छे. हाँ, जो मेरी बॉटल निकाली है वो मुझे भरनी भी तो है. और क्या. हाँ, तो देख लो. एक और चीज उन्होंने ये भी पूछा, आर यू फास्टिंग? बोला अभी तक कुछ खाया है नहीं खाया. तो मैंने बोला कि हाँ अभी तक कुछ भी नहीं खाया है. तो डॉक्टर ने बोला कि मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके, पर उसने पूरा ही टाइम लगा दिया. तो अब घर जाते हैं जल्दी से, बहुत तेज भूख लगी है और कुछ खाना खाते हैं. और पता है जैसे ये आई है ना गाड़ी में, सबसे पहली चीज इसने पता है क्या बोली है कि मेरी हाइट तेरे से ज्यादा है. और क्या, वो भी इंचेस में ज्यादा. तो हम दोनों की तो है ना, तो हम दोनों की ज्यादा तो है ना. बस मेरे को इससे मतलब है ज्यादा होनी चाहिए. तुम सबके आगे गाते हो ना कि मेरी ज्यादा है. इंचेस में ज्यादा है यार. इंचेस मतलब वो भी इतना फर्क होगा, सिर्फ इतना. और भाई लंच में हम खाएंगे आज दाल चावल. तो मैं अपना कल मेडिकल टेस्ट चेकअप करवा के आया था, तो मेरा रिजल्ट आ चुका है. और मेरे रिजल्ट में ना हीमोग्लोबिन कह रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज़्यादा आया है. तो जो आइडियल नंबर होता है वो 200 होना चाहिए, बट मेरा 220 आया है. तो डॉक्टर ने यही बोला है कि भाई तुम थोड़ा फैट वगैरह कम खाओ, ठीक है, कैलोरीज कम खाओ, थोड़ा वेट रिड्यूस करने का सोचो. तो इसीलिए अब खाने पे ना थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाएगा. तो अब सारा जो खाना है ना वो हेल्दी खाया जाएगा. क्या कहते हो? देखते हैं. मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा भाई अब. तो क्या, अब सिर्फ हेल्दी, सिर्फ हेल्दी. अच्छा ठीक है, देखते हैं. सैलेड खाओगे? हाँ. ये लो. थोड़ी तो चाट पकौड़ी कर सकते हैं ना, थोड़ी तो जीप को ऐसा मतलब चटोरापन दे सकते हैं. हाँ, वही तो थोड़ा देना चाहिए. तो फिर जीप भी बोलेगी कि क्या कर रहे हो तुम, जी रहे हो नहीं जी रहे हो. घरेलू नुस्खे अपनाएंगे कुछ कुछ जो हमें घर वालों ने बताए हैं, उससे ठीक हो जाएगा. यस आई होप सो. बट हाँ यार, जिम करना अब स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में तो हो जाता था, यहाँ पे जब से आए ना तब से जिम ऐसा छूटा है ना भाई साहब, क्या बात. Later that same evening. गौर से देखिए इस प्राणी को. ये वही प्राणी है जिसने सुबह सुबह बोला था कि मैं अब से हेल्दी खाऊंगा और सिर्फ हेल्दी ही खाऊंगा. और क्या खाया जा रहा है, एक दिन भी तुमसे अपने मतलब वचनों पे रहा नहीं गया. मैं बता रहा हूँ भाई, ये बहुत ही ज्यादा चलाक बंदी है. मतलब मुझे घर से बोल के लाई थी कि आज चल मैं तेरे को पार्टी देती हूँ, ये मेरा जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया तो पार्टी करेंगे. मुझे ये बोल के लाई थी घर से. और ये देखो, ये चेहरा देख लो इसका, गौर से देखिए इस चेहरे को है. मेरी तो पार्टी और ये मेरे तरफ पूरी सैंडविच करके मेरे को बदनाम कर रही है. है तो मैं, मुझे सिर्फ चाय पीनी थी, मैं चाय पीने आया था. और ये मुझे बोली, ये मुझे, ये इसने मुझे बोला चल चाट पकौड़ी वो खाएंगे. क्या पापड़ी चाट खाएंगे? मैंने बड़े दिनों से नहीं खाई है. तो ये तो लिया और मेरी तरफ कर दिया. देखो खाओ, मैं नहीं खा रहा इसको. मेरे को बदनाम किया जा रहा था और अब ये शुरुआत कौन कर रहा है खाने की? कौन खा रहा है ये? यार हेल्दी है ये, पता है इसमें सारी वेजिटेबल्स है, हेल्दी. खा लो बेटा, खा लो. आज तुम्हारा आखिरी दिन है, खा लो. कल से प्रॉपर डाइटिंग शुरू. कल से कुछ नहीं खाना है सब. कल से तुम्हारी चाय भी बंद. कल से कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएंगे, सब हेल्दी खाएंगे. तुम्हारी चाय भी बंद, समझे? और भाई अब आ चुका है डिनर का टाइम. और डिनर में हम खा रहे हैं सैलेड. तो अगर आपको लग रहा था ना मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ कि भैया हेल्दी डाइट फॉलो करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, वो शाम में थोड़ा सा चीट हो गया था यार, बट हम वापस से ट्रैक पे आ चुके हैं. एंड हम ना कॉस्टको से ये सैलेड लेके आ जाते हैं, सैलेड का पैक. तो ये दो पैक आता है, एक हम खत्म कर चुके हैं, ये भी खत्म होने ही वाला है. एंड काफी सही सैलेड होती है ये. तो इसमें ना काफी सारी आपको सब्जियां मिल जाती हैं, देखिए ऊपर से सीड्स भी आपको मिल जाते हैं और उसके अंदर सॉस भी होती है. तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्जियां निकालनी है, बॉल में डालनी है. एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ और डालना रहता है, जैसे कि प्रोटीन वगैरह सोर्सेज इसमें कुछ नहीं होते, तो मैं टोफू डाल देता हूँ. एंड तानिया प्रोटीन खाती नहीं है, तो वो अपनी ये स्पैगेटी डाल देती है. बस अब करेंगे डिनर और इसी के साथ करते हैं अब इस व्लॉग की समाप्ति. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्यों यार? ये गलत बात है. तो कर देना. एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.